जींद से। जी हाँ, जींद से बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, माफ कीजिएगा, हथीन से ये बड़ी खबर। हथीन में मेडिकल स्टोर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अनिल विज के आदेश पर सीएमओ पलवल ने ये कार्रवाई की है। ये बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें, हथीन से स्टोर से प्रतिबंधित पेंटाजोसिन के 98 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, ट्रामजोल के 616 कैप्सूल, 800 अल्परोजोल टैबलेट जब्त की गई। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और 60 कोडीन सिरप भी बरामद किया गया। ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, हथीन में मेडिकल स्टोर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर सीएमओ पलवल ने ये कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएमओ पलवल की ओर से ये कार्रवाई की गई है अनिल विज के आदेश पर, और स्टोर से प्रतिबंधित पेंटाजोसिन के यहां पर सामान उपलब्ध हुआ, और ट्रामजोल के 616 कैप्सूल भी यहां पर, 800 और कुल मिलाकर 60 कोडीन सिरप भी बरामद इस दौरान की गई। तो तमाम चीजें बरामद की गई है जो कि प्रतिबंधित है हथीन में मेडिकल स्टोर पर। ये बड़ी कार्रवाई की गई है, ये बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें। गृह मंत्री अनिल विज और उनके आदेश पर सीएमओ पलवल ने कार्रवाई की है। स्टोर से प्रतिबंधित पेंटाजोसिन के 98 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ट्रामजोल के 616 कैप्सूल, 800 अल्परोजोल टैबलेट जब्त की गई। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दिनेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, जानना चाहेंगे क्या कुछ रहा जब एक बड़ी कार्रवाई की गई, इसके अलावा क्या शिकायत मिली थी? हाँ देखिए, ये हथीन का एक मेडिकल स्टोर है जिसके खिलाफ शिकायत मिली थी कि जो अवैध ये दवाइयां, जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं उनकी सेल करता है, जिसके बाद ये इसको स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिली थी। जैसे फिर उसके आदेश हुए, सीएमओ ने यहाँ पर एक टीम गठित की, जो टीम हथीन पहुंची देर रात, उसके बाद मेडिकल स्टोर के ऊपर जांच की गई। जांच में जो कई जो दवाइयां हैं वो प्रतिबंधित पाई गई, लगभग 98 इंजेक्शन, ट्रोमलोज 616, 800 एप्रोजोल जैसे कई जो 60 कोडीज, तमाम प्रतिबंधित दवाइयां थी जो इसमें अवैध पाई गई हैं। इसमें जो दो लोगों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने जो थाना है उसने मुकदमा दर्ज कर लिया है, और जो टावर थाना है इसमें साकिर अली और अंद्रौला का निवासी है। जी दिनेश, इस मामले की तार पीछे से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे स्टोर तक ये इतनी भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां स्टोर तक पहुंची। देखिए, इसकी ये भाई पुलिस इसकी जांच करेगी कि कहां से ये दवाइयों को लाते थे, और जो प्रतिबंधित दवाइयां इससे मेडिकल स्टोर के जरिए तीन इलाके में बेची जा रही थी, तो पुलिस ने इसमें अभी मुकदमा दर्ज किया है। जब आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके बाद पता लगेगा और भी इसमें क्या कार्रवाई आगे होती है। जी शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दो अभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच आगे चलेगी, देखना होगा, क्योंकि इस मामले के तार पीछे से जुड़ते हुए दिखाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि काफी मात्रा में यहां पर प्रतिबंधित दवाइयां जो कि बंद हो चुकी हैं वो यहां से बरामद हुई है। आखिर ये दवाइयां इस मेडिकल स्टोर तक कैसे पहुंची और कितने लोग इसमें संलिप्त हैं और कहां कहां ऐसी और भी अभी प्रतिबंधित दवाइयां मौजूद हैं, इन सब को लेकर प्रशासन अब सख्त हो चुका है।